नमस्कार दोस्तों, आज हम इंट्राडे में बैंड स्टैंडिंग स्ट्रेटजी को यूज में लेकर कैसे ऑलमोस्ट 0% रिस्क के साथ शानदार प्रॉफिट्स कमा सकते हैं यह जानेंगे। वैसे तो इंट्राडे के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी है, लेकिन जब स्टॉक रेंज बाउंड होता है, साइडवे जोन में होता है, यानी कि एक ही रेंज में स्टॉक ऊपर नीचे घूमता रहता है, तब यह स्ट्रेटजी ज्यादा यूज में ली जाती है और हमें ज्यादा प्रॉफिट्स निकाल कर देती है। इस स्ट्रेटजी से आप इंट्राडे और पोजिशनल दोनों टाइप के ट्रेड इजीली ले सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, इस स्ट्रेटजी को यूज में लेकर इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में बुलिश और बेरिश टाइप के ट्रेड कैसे लेते हैं, कौन से पॉइंट पर हम स्टॉप लॉस लगाकर बाय और सेल की पोजीशन बना सकते हैं, यह सब कुछ डेमो के साथ प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ प्रो टिप्स और सीक्रेट्स भी बताऊंगा, जिससे आप ट्रेडिंग में मास्टर बन जाएंगे। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू फोकस करके जरूर देखना, इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज विरंजन, लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। यह स्ट्रेटजी उन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है जो मार्केट की अनसर्टेनिटी से डील करना चाहते हैं और स्टेबल मूवमेंट्स में शानदार प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर को यूज में नहीं लेंगे, ओनली प्राइस मूवमेंट को देखकर ही, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही बाय और सेल के ट्रेड लेंगे। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और सारे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप जरूर देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो अब डायरेक्ट स्टॉक के चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी से इंट्राडे में बुलिश और बेरिश के ट्रेड कैसे लेंगे यह समझ लेते हैं। यह है रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों कि हमें स्टार्टिंग में इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ओनली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, दूसरे स्टॉक्स को अभी इग्नोर करना है। जब एक्सपीरियंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप दूसरे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो वो इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉलिटिलिटी और ज्यादा लिक्विडिटी होती है और हमें इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इंट्राडे के लिए ऐसे ही स्टॉक्स फाइंड करने होते हैं, इसलिए हमने निफ्टी 50 के स्टॉक्स को सेलेक्ट किया। दोस्तों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपना स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं नॉर्मली इंट्राडे के लिए 5 मिनट का चार्ट यूज में लेता हूं, इसलिए 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे। वैसे चार्ट पर क्लियर नजर आ रहा है कि रिलायंस का स्टॉक अभी बिल्कुल रेंज बाउंड, बिल्कुल साइडवे ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों, अब थोड़ा फोकस देना, इस ट्रेंड को हम कैसे पहचानेंगे और कौन से पॉइंट पर हम बाय और सेल के ट्रेड लेंगे वो भी अच्छे से समझ लो। 9:15 पर स्टॉक यहाँ पर ओपन होता है, फिर नीचे गिर जाता है, मतलब यहाँ पर स्टॉक ने फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया और यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट का लेवल भी बना लिया। अब यहाँ पर हम ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को टच करके और नीचे सपोर्ट लेवल को टच करके दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को आप यहाँ पर क्लिक करके टूल बॉक्स को ओपन करके फिर यहाँ पर क्लिक करके इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप आगे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, इन ऊपर वाले पॉइंट्स को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, जहां पर शेयर में नॉर्मली सेलिंग प्रेशर आता है, जिसके कारण शेयर में गिरावट आ जाती है, मतलब यह रेसिस्टेंस की लाइन है। और इन नीचे वाले पॉइंट्स को हम सपोर्ट बोलते हैं, जहां पर शेयर में नॉर्मली बाइंग स्टार्ट हो जाती है, इसके कारण शेयर में तेजी आ जाती है, मतलब यह सपोर्ट की लाइन है। लेकिन कभी कभी शेयर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ओपोजिट सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण शेयर में ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मिनिमम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में चारों तरफ शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ सके और शानदार प्रॉफिट्स कमा सके। यह स्टॉक का फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, फिर स्टॉक नीचे गिर जाता है और पहला सपोर्ट बनाता है, फिर स्टॉक में तेजी आ जाती है और स्टॉक अपने सेकंड रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हम इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाकर एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शॉर्ट सेलिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है,
जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप जरूर देखकर शॉर्ट सेलिंग को अच्छे से सीख लेना। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने के बाद जब शेयर वापस अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तब आप वापस शेयर को 3:15 बजे से पहले पहले तक बाय करके प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। इस स्ट्रेटजी में हम इंट्राडे में स्कैल्पिंग ट्रेड करके बहुत छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बुलिश ट्रेड कौन से पॉइंट पर लेना है वो भी अच्छे से समझ लो। जब शेयर नीचे गिरकर अपने सेकंड सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच जाता है यानी कि सेकंड सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता है तब यहाँ पर हम नीचे स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक को बाय करके एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। फिर जब शेयर में तेजी आती है तब शेयर अपने तीसरे रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने की कोशिश करता है तब यहाँ पर हम शेयर को वापस सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई होप आप इंट्राडे में इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बुलिश और बेयरिश दोनों टाइप के ट्रेड लेना अच्छे से सीख चुके हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं और आप मार्केट में कंप्लीट एक्टिव नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एडवांस में ही स्टॉप लॉस की और साथ में बाय और सेल की फीडिंग लगाकर शानदार प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो में हमारी टीम की मेहनत नजर आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन डबल हो जाता है और कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। अब हम इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पोजिशनल बुलिश और बेयरिश के ट्रेड कैसे लेंगे यह समझ लेते हैं। यह है टाइटन का चार्ट है। वैसे आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक में पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। याद रखना दोस्तों वीक स्टॉक्स में खराब स्टॉक्स में हमें पोजिशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है वरना आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। वैसे यदि आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं यह सब कुछ डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप जरूर इनको देख कर अच्छे से समझ लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं नॉर्मली पोजिशनल ट्रेडिंग में 1 डे का चार्ट यूज में लेता हूं इसलिए 1 डे का चार्ट लगा देंगे। चार्ट पर क्लियर नजर आ रहा है कि टाइटन का स्टॉक काफी महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है, बिल्कुल एक ही रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा है, मतलब स्टॉक अभी साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। इस ट्रेंड को हम कैसे पहचानेंगे और कौन से पॉइंट पर हम बाय और सेल के ट्रेड लेंगे वो भी अच्छे से समझ लो। स्टॉक में गिरावट होती है और स्टॉक अपना फर्स्ट सपोर्ट का लेवल बनाता है, फिर स्टॉक में तेजी आती है और स्टॉक अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल बनाता है। अब यहाँ पर हम ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को टच करके और नीचे सपोर्ट लेवल को टच करके दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यह लाइन ड्रॉ करने के बाद आप फ्यूचर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल बनाने के बाद स्टॉक में वापस गिरावट होती है और अब स्टॉक अपने सेकंड सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता है। अब यहाँ पर हम पोजिशनल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग शेयर को बाय करके बुलिश की पोजीशन बना सकते हैं, फिर कुछ दिन वेट करेंगे। जब शेयर वापस अपने सेकंड रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करेगा तो उसके आसपास हम मौका देखकर प्रॉफिट बुक करके शेयर को वापस सेल कर देंगे। इसी प्रकार हम आगे के सपोर्ट लेवल पर स्टॉप लॉस लगाकर शेयर को बाय करके बुलिश की पोजीशन बनाते रहेंगे और रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करके शेयर को वापस सेल करके बेयरिश की पोजीशन बनाते रहेंगे। सच बताना दोस्तों है ना मिनिमम रिस्क वाली स्ट्रेटजी, बिना टेंशन के शानदार प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आपको अपना या अपने फैमिली में से किसी का भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना हो तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके कुछ ही मिनटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। कांग्रेचुलेशंस दोस्तों, अब आप भी रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से सीख चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए कमाते रहिए।